नमस्कार मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपके सामने अनुवाद पर कुछ बातें लेकर आया हूँ। हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले गीतांजलि श्री के एक उपन्यास रेत समाधि के अनुवाद को बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और उनका उपन्यास हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उसके बाद उसको जिस तरह की मान्यता मिली पूरी दुनिया में, वो अद्भुत है। अनुवाद का महत्व इससे समझ में आता है कि आखिर अनुवाद कैसे किसी एक कल्चर की बातों को, कहानियों को, अफसानों को दूसरे कल्चर में ले जाता है और कैसे उसको ग्रहण किया जाता है वहाँ पर। बहुत पहले सुजन सोनटाग ने अनुवाद की सामाजिक भूमिका के बारे में बात की थी और हमारे यहाँ तो आप देखिए कि वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके और जितने भी प्राचीन ग्रंथ रहे, पुराण रहे, इवन रामायण और महाभारत तक, वाल्मीकि रामायण, इनके अनुवाद हुए। उसी अनुवाद का नतीजा रहा है कि भारत का पूरा जो साहित्यिक सांस्कृतिक वांग्मय है वो दुनिया भर में पहुंच पाया। तो एक अनुवादक क्या करता है कि एक अनुवादक एक संस्कृति की चीजों को दूसरी संस्कृति में ट्रांसलेट करता है। एक मिरर मान लीजिए रखा हुआ है, शीशा रखा है और वो शीशे में वो टेक्स्ट अनुवाद होता है तो जो पाठक है वो उसकी मिरर इमेज को देखता है और मिरर इमेज से ये अंदाजा लगाता है कि मूल ऑब्जेक्ट, मूल वस्तु कैसी होगी। तो हमारी भूमिका एक अनुवादक के बतौर यही है कि हम किसी भी टेक्स्ट को जस का तस उसकी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि में रखने, अनुवाद करते वक्त अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और उसमें प्रच्छन्न राजनीतिक भूमिका को हमेशा जहन में रखें, याद रखें कि आप दरअसल एक सेतु हैं, दो संस्कृतियों के बीच का सेतु हैं, पुल हैं जो लोगों को जोड़ते हैं। हम सभी अनुवादकों की जिम्मेदारी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के मौके पर अच्छा अनुवाद करने का संकल्प करें जिससे समाज का कुछ भला हो सके, लोग जुड़ सकें। चूंकि राजकमल प्रकाशन के मंच पर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि राजकमल के जो क्लासिक्स हैं उसको आप जरूर पढ़ें, रेत समाधि। लेकिन क्लासिक्स जो हैं, एकाकीपन के 100 वर्ष, 1984, प्लेग, इस तरह की किताबें जो हैं जो आज के दौर में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी 50-100 साल पहले थी, उनके अनुवाद आप जरूर, क्लासिक्स जो हैं वो हमेशा हमें जिंदा रखते हैं और दूसरी संस्कृतियों से हमें जोड़ते हैं और बताते हैं कि दरअसल इस दुनिया में हमारी जगह क्या और कैसी है। तो सभी अनुवादक मित्रों को बधाई, सभी लेखकों को बधाई। ज्ञान के लिए कोई अवरोध नहीं पैदा होता, अपनी भाषा में भी दूसरी भाषाओं, संस्कृतियों की चीजें आ सकती हैं और ऐसा पहुंचाने वाले लोग हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया, नमस्कार।